दोस्तों रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सिम्बा और हाल ही में हुई अपनी शादी दोनों के लिए चर्चा में बने हुए हैं। आलम यह है कि सिम्बा के प्रमोशन के दौरान ही हर कोई रणवीर से उनकी और दीपिका पादुकोण की रियल लाइफ लव स्टोरी के बारे में सवाल पूछ रहा है, लेकिन सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि रणवीर पर भी इन दिनों शादी का खुमार चढ़ा हुआ है। जी हाँ, ये खुमार भी कुछ ऐसा है कि रणवीर अपनी फिल्म का प्रमोशन करते करते अचानक उसी होटल में चल रही एक शादी में बिना इनविटेशन के ही पहुंच जाते हैं। अक्सर शादियों में फ्री का खाना खाने आए ऐसे बिन बुलाए बाराती पकड़े जाने पर काफी भला बुरा सुनते हैं, लेकिन जब रणवीर सिंह बिन बुलाए अचानक इस शादी में पहुंचे तो दूल्हा दुल्हन से लेकर सारे बाराती हक्के बक्के रह गए और थोड़ा संभलते ही सभी ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। दरअसल रणवीर सिंह सोमवार को मुंबई के JW मेरियट होटल में अपनी फिल्म सिम्बा का प्रमोशन कर रहे थे। उसी दौरान इसी होटल में एक जोड़ा शादी के बंधन में बंध रहा था। ऐसे में प्रमोशन से फ्री होकर जाते हुए सिम्बा ने अचानक मन बदला और वह इस जोड़े को शादी की मुबारकबाद देने पहुंच गए। रणवीर को शादी में यूं अचानक देख वहां मौजूद हर मेहमान भौचक्का सा रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। रणवीर के इस शादी में यूं सरप्राइज अंदाज में पहुंचने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रणवीर यहां ब्राउन जैकेट में स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। रणवीर को देख उनके फैन बन चुके सारे मेहमान सेल्फी खींचने के लिए दौड़ पड़े। दोस्तों इसी तरह की नई नई न्यूज की अपडेट जानने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।